गाइस, माय नेम इज सुब्रतो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीकर का, जो कि गिज़्मो की तरफ से आता है। तो ये गिज़्मो ट्विन 2010 है, यहाँ पे ट्विन मल्टीमीडिया स्पीकर लिखा हुआ है। ये स्पीकर मैंने फ्लिपकार्ट से 500 रुपीज़ में लिया है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, जैसे 3.5 mm ऑडियो स्टेरियो इनपुट पिन फॉर लैपटॉप कंप्यूटर MP3 MP4 एक्सेट्रा, वायर्ड वॉल्यूम कंट्रोलर, लाइट वेट एंड पोर्टेबल। तो इसका आउटपुट है 10 वॉट का। फ्रीक्वेंसी एंड रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। तो पावर, म्यूजिक, कनेक्टिविटी, फिटनेस एंड मोर, ये सब मेंशन है यहाँ पे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, तो कुछ ऐसा दिखता है ये स्पीकर। ओके, यहाँ पे कुछ खराबियाँ लगता है, जैसे इसमें नहीं है। एनीवे, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी हमको USB जैक मिलता है एक, और एक 3.5 mm जैक मिलता है। तो आप इसको किसी भी चार्जर या पावर बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं आई गेस। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम डायल दिया हुआ है। काफ़ी बेसिक सा स्पीकर है, कुछ खास नहीं है इसमें, बट साउंड देखते हैं कैसा है इसका। तो इसको जल्दी से प्लग इन कर लेते हैं। तो मेरे पास ये एक USB ब्रिक है, इसको लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कनेक्ट इसको कर लिया है। उप्स, तो स्पॉटिफाई में चलते हैं और कुछ चला के दिखाता हूँ आपको। वाओ, इसमें बेस तो काफी अच्छा लग रहा है। पहले ऑडियो भी काफी क्लियर ही लग रहा है। तो इनिशियल इम्प्रेशन इसका, तो ऑडियो इज कमिंग आउट गुड एंड इसमें अच्छा खासा बेस भी है। बाकी रिव्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में इन डेप्थ। तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।